नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका काला केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रुड़की की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि मुश्किल वक्त एक आईने की तरह होता है, क्योंकि ये हमें हमारी क्षमताओं का आभास कराता है। अब देखिए ना, किसने सोचा था कि कोरोना वायरस जैसी एक वैश्विक महामारी, जैसी एक बीमारी हमारे बीच में आ जाएगी। हम सबको ऐसे 1 महीने के अंदर घर के अंदर बंद सा होना पड़ेगा, लेकिन घर के अंदर बंद रहते हुए भी हम सभी अभी अपना काम किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हम लोग आप लोगों को इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई कराने लग जाएंगे, और आप सभी बच्चों को भी नहीं पता था कि आप इतने अच्छे तरीके से ऑनलाइन स्टडी कर भी लेंगे, है ना। आप लोग कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी अच्छे से अभी चल रहा है, सब मोबाइल में चल रहा है, किसी को नहीं पता था। देखो बच्चों, बात ये आती है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोरोना वायरस के साथ कैसे लड़ा जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस को हमारी बॉडी में जाने से कैसे रोकना है, ये हर एक को पता है, पहले दिन से पता है। मेन बात ये है कि कोरोना वायरस जैसी इस बीमारी को हमें हमारे माइंड में जाने से कैसे रोकना है। आज की डेट में पता है बच्चों क्या हो रहा है? आप अपने घर में ही सारे बड़े बुजुर्गों को देखेंगे, हर कोई 24 घंटे बस इसी के बारे में बात कर रहा है, इसी के बारे में न्यूज़ देख रहा है, इसी के बारे में सुन रहा है, इसी के बारे में आपस में विचार विमर्श हो रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बस यही सब कुछ चल रहा है। तो देखा जाए तो ये क्या कुछ ऐसे फायदा हो रहा है? नहीं, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, कुछ मजेदार नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही है, कुछ पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही है, इसलिए ये एक तरह से गार्बेज की तरह, कूड़े की तरह। और आप लोग जानते हो क्या कर रहे हो बच्चों? आप लोग जान बूझ कर इस गार्बेज को अपने अंदर डाल रहे हो, गार्बेज इन कर रहे हो। और एक कहावत आपने पहले से सुनी होगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जैसा कूड़ा आपके माइंड में जाएगा वैसा ही कूड़ा आपके माइंड से बाहर आएगा। बच्चों, लॉकडाउन हुए लगभग 1 महीना हो चुका है, हो गया है, लेकिन इस 1 महीने में आप लोगों ने क्या किया पता है बच्चों? आप लोगों ने इसको, आप में से, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, अधिकतर बच्चों ने अपना समय गंवा सा दिया है। आप ये समझ लो आपने वो सब किया जो आपको नहीं करना था। क्या किया? फेसबुक चलाया, सही बोल रही हूँ, फेसबुक चलाया, व्हाट्सएप चलाया, फालतू की चैट करने में, टिकटॉक चला रहे हैं, फेसबुक में एंटरटेनमेंट के वीडियोस देख रहे हैं। क्या कुछ फायदा हो रहा है? बस टाइम बेटा गंवा रहे हो आप लोग, इस टाइम को टाइम कभी मत गंवाना। अब ये समझ लीजिए, पिछले 1 महीने में, 1 महीना यानी कि 30 दिन, 30 दिन यानी कि 720 घंटे, 720 घंटे आपने आराम से गंवा दिया, अपने हाथ से जाने दिया, जबकि एक एक सेकंड आपके लिए कितना कीमती था। पर अफसोस की बात ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, और यहां पर मैं प्रियंका काला आप लोगों को जगाने ही आई हुई हूं। अब आप ये सोचिए, खुशी की बात यह है कि आपके पास अभी भी टाइम है, पता नहीं कितने दिन और ये कितने महीने और। बस बेटा आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड को दृढ़ निश्चय बनाना है, दृढ़ निश्चय कर देना है आपको, कुछ ज्यादा नहीं, आपको अपने गोल सेट कर देना है। अब ये गोल किस तरीके से सेट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको कुछ बातें मैं भी बताने चाहूंगी। सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स आपके लिए पहली बात, आपको क्या करना है, आपको अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर देना है। इस टाइम टेबल को आप इस तरीके से फिक्स करेंगे कि सुबह उठ के आप लोग योगा भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मम्मी के साथ घर में काम करने में उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, है ना, छोटी मोटी हद तो आप लोग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, उसके अलावा आप पढ़ रहे हैं, आपके टीचर्स यूट्यूब वगैरह में या किसी भी प्लेटफॉर्म में, गूगल क्लासरूम या जूम ऐप, किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको जो भी ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, हर दिन सेट कर देना हमें इतना पढ़ना है। अपनी वीक चीजें, वीक पॉइंट, जैसे कि टेबल हो गए, प्लस माइनस के सम्स हो गए, ये सब छोटी छोटी चीजें, आपकी ड्राइंग हो गया, मैप हो गया, ये सब चीजें, वीक चीजें जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं था, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट में मैं आपके पास आना चाहूंगी, दूसरा पॉइंट है आपका, आपकी हॉबीज, आपका इंटरेस्ट, वो चीजें जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं रह गया था, इतने बिजी आप लोग हो गए थे कि आप लोगों ने अपनी उस इंटरेस्ट को, अपने उस टैलेंट को, अपने उस पैशन को अपने अंदर दबा के रख दिया था। बच्चों, ये वक्त है उस टैलेंट को निकालने का, उस पैशन को एक बार फिर से बाहर निकालने का। एक ऐसा टैलेंट होता है जिसमें आपको दुनिया से आप बिल्कुल अलग हो जाते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं होता, आप अपने काम में इतने लीन हो जाते हो। बच्चों, उस टैलेंट को निकालिए, टाइम ही टाइम है, पहले
24 घंटे कम पढ़ते थे आपके पास, लेकिन अब वो 24 घंटे हैं आपके पास, है ना। वो क्या क्या हो सकता है, आपकी रीडिंग हैबिट हो सकती है, आपका म्यूजिक हो सकता है, आपका सिंगिंग हो सकती है, आपकी डांसिंग, आपकी एक्टिंग, आपकी राइटिंग, कुछ भी हो सकती है। तो उस टैलेंट को आपको निकालना है बाहर, ये दूसरा पॉइंट है मेरा, ध्यान रखिएगा, टैलेंट बाहर निकालना है। तीसरा पॉइंट बच्चों मेरे पास आपके लिए है कि आपको क्या करना है, अपनी पर्सनालिटी अपग्रेड करनी है। पर्सनालिटी अपग्रेड का मतलब होता है कि आपकी पर्सनालिटी में ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो कि एक बिल्कुल पॉज में आ गई है। आपने अपनी लाइफ को मोनोटोनस बना दिया, इतना है तो ठीक है, उसको कभी अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की है। इस वजह से आपकी पर्सनालिटी जो है, आप उतना ऊपर नहीं हो पा रहे हैं जितना ऊपर आप हो सकते थे। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको टाइपिंग आती है, आप काम करते हो सिस्टम में, लेकिन टाइपिंग में आपका हाथ ज्यादा सेट नहीं है, तो इस टाइम इतना अच्छा टाइम है आपके पास, आप क्या करिए, टाइपिंग में अपना हाथ तेज कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा हो गया एमएस एक्सेल की बात हो गई, आगे आप लोग प्राइवेट जॉब करेंगे या गवर्नमेंट जॉब कुछ भी करेंगे, एक्सेल में आपका हाथ स्ट्रांग होना जरूरी है। आप देखिए कैसे कैसे, जब तक हाथ नहीं चलेंगे सीखेंगे कैसे। तीसरा पावर पॉइंट हो गया, कंपनीज में एक से पावर पॉइंट में एक से एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, एक से एक इफेक्ट्स आप लोगों को क्या करने होते हैं, आप देखिए कैसे कैसे आप इफेक्ट्स सीखिए, पर्सनैलिटी इंप्रूव करिए बेटा, है ना। नेक्स्ट थिंग हो सकती है आपकी, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई है, आपको बहुत बच्चे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्ट होता है हर न्यू वर्ड्स लिखने का, इस टाइम पे करिए ना, मिरर के आगे खड़े हो जाइए, इंग्लिश में बात करिए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग कीजिए, रीडिंग के हैबिट बनाइए। आप समझ में आ रहा है आपको करना क्या है। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, पहला बताया स्टडी का, दूसरा बताया आपके टैलेंट का, आपके पैशन का, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया आपकी पर्सनालिटी अपडेशन का, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने का, उसको अपडेट करने का। चौथा पॉइंट है आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा। नॉलेज कैसे बढ़ेगा बेटा, नॉलेज आपके मोबाइल में, यूट्यूब में, जब फालतू के वीडियोज देख के बिल्कुल नहीं, टीवी देख के, मूवीज देख के बिल्कुल नहीं, उससे आपका कोई नॉलेज नहीं बढ़ेगा। आप बार बार वही चीजें, न्यूज जो है वही रिपीट होती रहती है, कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों इसके लिए, जो जो जहां जहां में, जैसे कि आपके अंदर स्किल्स, जो भी मैंने आपको पहले तीसरा पॉइंट डिस्कस किया, जो आपके अंदर स्किल्स हैं उससे रिलेटेड चीजें छाटो ना, इंटरनेट में सैकड़ों चीजें पड़ी हैं, बाहर पड़ी है, उसमें आप देखिए कैसे आप लोग उसके अंदर, आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, नॉलेज लीजिए। अभी आप गंगा क्वेस्ट चल रहा है आपका, ब्रिक्स मैथ चल रहा है आपके, कंपटीशन सीबीएसई की ओर से, पढ़िए उनके अंदर कितना नॉलेज भरा पड़ा है, हिस्टोरिकल चीजें हैं, हर चीज का नॉलेज गेन कीजिए। कम से कम जब चार लोगों के बीच आप लोग बैठेंगे तो कम से कम ऐसा तो रहेगा कि आपके अंदर नॉलेज है। अभी आपके अंदर नॉलेज नहीं होता तो आप शांत बैठे हुए रहते हैं, आपको समझ नहीं आता आप दूसरे से क्या बात करें, चार लोगों के बीच में आपके मुंह से आवाज नहीं निकल पाती है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। नॉलेज आपके अंदर होगा तो आप ये समझ लीजिए कि आप कितने अच्छे तरीके से सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और सामने वाला भी कहेगा आपको देख के, अरे वाह नॉलेजेबल बंदा है, तभी तो बोल रहा है। तो बेटा मैंने आपको ये सब चीजें समझाई है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मेरी इन चार या पांच बातें जो भी मैंने आपको बताई है आपको याद रखनी है, क्योंकि बेटा ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसने आपको फिजिकली बाहर जाने से लॉक कर दिया है, बट आपके माइंड को इसने लॉक नहीं किया है। तो आप लोग क्या करेंगे, मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे। अब देखो बच्चों, इस दौरान आप बोलेंगे मैम आपने इतनी सारी बातें तो हमें बता दी है, लेकिन प्रॉब्लम आती है नेगेटिव थॉट्स का, मोनोटोनस सी हमारी लाइफ हो गई है, एक ही जगह में बैठते हुए, वही कमरा, वही बेड, वही टेबल, वही स्टडी। मैंने आपको बताया बेटा आपको मोनोटोनस होना ही नहीं है, आप ज्यादा देर तक एक जगह में नहीं बैठिए, कभी कमरा चेंज कर दीजिए, डेस्क चेंज कर दीजिए अपना, आप रेगुलरली 2 या 3 घंटे तक मत बैठिए, 1 घंटा बैठिए, 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मतलब नेगेटिव थॉट्स को आने ही नहीं देना है। और नेगेटिव थॉट्स वैसे भी बच्चों तब आएंगे जब आप लोग कोई मोनोटोनस काम कर रहे हैं। अभी तो मैंने आपके सामने इतनी सारी चीजें बता दी, आपकी स्टडी बता दी, आपके पैशंस बता दीजिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बता दिया, आपकी हर छोटी छोटी वो चीजें बता दी जिससे आप लोग ऊपर नहीं आ पा रहे थे। अब तो ये सोचिए 24 घंटे एक बार फिर आपको कम पड़ने वाले हैं, तो बेटा मेरे कहने का मतलब लास्ट में आपसे यही है कि लॉकडाउन ने जो आपको फिजिकली बांध दिया है, माइंड को नहीं बांधा है, और माइंड को आपने सेट कर दिया है। कहने का मतलब है अभी से, आज से लगभग हम लोग कह सकते हैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, जब भी हम लोग लॉकडाउन के बाद आपस में मिलेंगे तो हमें लगना चाहिए अरे वाह
ये आपकी पर्सनालिटी है। अरे आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आ गया है। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही होगी। और मेरी मेरा मकसद जो है आपको मोटिवेट करना है, और मेरे मोटिवेशन का फायदा तभी है जब आपकी एक निखरी हुई पर्सनालिटी मुझे दिखाई देगी। थैंक यू बच्चों, आबाद रहिए, स्टे हो, स्टे एट होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।